धमतरी जिले के ग्राम भैंस बॉन्ड में दो लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। बता दें कि एक ओर जहां तालाब में डूबने से एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर कन्हापुरी के पास नहर में अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। जैसे इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पूरत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल बताया जा रहा है कि मृतक बालक रुद्र कुमार अपने मामा के घर आया हुआ था, जो नहाने के लिए परिजनों के साथ तालाब में गया। इसी दौरान डूबने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं ग्राम कन्हापुरे के पास नहर में लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान सुरेंद्र साहू निवासी ग्राम आनंदपुर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। ग्यारह साल के बच्चे की, इससे रिलेटेड नहीं है, वो पानी में डूब के मरा है। ये उसी गांव भैंस बोर्ड की घटना। एक बॉडी मिली है, 50 साल की उम्र है, अज्ञात व्यक्ति है, उसकी तलाश की जा रही है पहचान की। उसका भी पंचनामा करके उसका पीएमओ का, उसके बाद जैसा डॉक्टर बताएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की।